डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग चलते हैं क्लास 12th के लिए सब्जेक्ट फिजिक्स को पढ़ना शुरू करते हैं। जैसा कि पता है आपको, हम लोग पिछले दिन ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग आइए चलते हैं डायनेमो के बारे में पढ़ते हैं। डायनेमो मतलब जनित्र, और जनित्र का मतलब जनरेटर। ठीक है, जो टेंट हाउस वगैरह में रखते हैं ना जनरेटर, जो शादी फंक्शन में यूज किया जाता है जनरेटर, या फिर पर्सनली के लिए यूज किया जाता है घरों में। तो कुल मिलाकर आज हम लोग पढ़ेंगे जनरेटर के बारे में, और वो जनरेटर कैसे काम करता है, उसका बनावट कैसा होता है, उसका सिद्धांत क्या है, किस सिद्धांत पे कार्य करता है, हम लोग यहाँ पे उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले टॉपिक्स क्या देने वाले हैं आज, तो आज हम लोग जनरेटर यानी कि जनित्र, जिसको प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो भी कहा जाता है, प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो बोलिए, जनित्र बोलिए या जनरेटर बोलिए, तीनों एक ही फंक्शन पे आधारित है, तीनों समझिए सेम ही है, एक ही है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक लिया जाए प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो, प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो या जनित्र, जनित्र मतलब जनरेटर। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जनित्र बोलते हैं। तो चलिए उसके नीचे एरो देंगे, लिखेंगे डायनेमो या जनित्र एक ऐसा यंत्र है, डायनेमो या जनित्र एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। नेक्स्ट एरो देंगे, लिखेंगे प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो या जनित्र या जनित्र विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। और उसके नीचे अगर हम लोग एक और बात लिखे, तो हम लोग लिखे अभी कि प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो जो है उसी को हम लोग जनित्र भी कहते हैं, और इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है दोस्तों, इसका प्रयोग किया जाता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का। आप जनरेटर को चालू करते हो तो उसको यांत्रिक ऊर्जा हुआ, और चालू करने के बाद हमें क्या प्राप्त होता है, तो विद्युत ऊर्जा, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है कौन, जनित्र या जनरेटर। ठीक है, दूसरी बात कि जनरेटर जो है किस सिद्धांत पे आधारित है, किस सिद्धांत पे कार्य करता है, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन यहां से निकलता है। और आपको याद रखना चाहिए कि डायनेमो जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है, आधारित है, जबकि ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के आधार पे आधारित होता है या कार्य करता है। तो याद रखे, ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पे कार्यशील होता है, कार्य करता है, जबकि हम लोगों का ये है जनरेटर, ये किस पे काम करता है, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे।
चलिए उसके नीचे एक और एरो देते हैं, लिखा जाए एरो देकर कुंडली में गुजरने वाले, कुंडली में गुजरने वाले चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या लगातार बदलती रहती है, तो कुंडली परिपथ में, कुंडली परिपथ में एक प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल, एक प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है, प्रेरित हो जाता है और परिपथ में विद्युत परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित, विद्युत परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होने लगती है। तो देखिए हम लोग यहां पे क्या लिखे, हम लोग यही लिखे कि जो डायनेमो होता है इसमें हर बार चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या बदलती है, यानी कि जो जनरेटर होता है तो जनरेटर का जो आर्मेचर यानी कि कुंडली होता है ना, वो हमेशा बहुत सारा चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बदलती है। और हम लोग जानते हैं ना कि जब चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में कुगत स्थिर करके जब किसी भी कुंडली को अगर तेजी से घुमाया जाए तो उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। वही तो काम करता है यहाँ पे, क्योंकि विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे जनरेटर काम करता है। तो विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण हम लोग पढ़े, क्या पढ़े, अगर एक चुंबकीय चुंबक को जो चुंबकीय क्षेत्र क्रिएट करता है उसके समक्ष अगर एक कुंडली को उसके आसपास तेजी से दौड़ाया जाए, उससे दूर ले जाया जाए, तो उसके कारण उस कुंडली में धारा उत्पन्न होती है जिसको प्रेरित धारा बोलते हैं। और वही प्रेरित धारा प्रत्यावर्ती धारा का रूप ले लेती है। तो सेम थिंग्स हम लोग का जो जनरेटर होता है, हम लोग के जो जनरेटर होता है उसमें चुंबक लगा हुआ होता है और उसके बीच में एक आर्मेचर कुंडली लगा हुआ रहता है जो तेजी से घुमाया जाता है आर्मेचर के द्वारा, ठीक है। अब वो ज्यादा तेजी से जब घूमेगा तो एकदम डेफिनेटली बात है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हर बार बदलेगी। तो जब चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हर बार बदलेगी उसके वजह से परिपथ में धारा उत्पन्न होने लगती है, प्रेरित धारा जो प्रत्यावर्ती धारा के रूप में हमें प्राप्त होती है। यानी कि कुल मिलाकर दोस्तों हम लोगों को पता चलना चाहिए कि जनरेटर से प्राप्त धारा भी एक तरह का प्रत्यावर्ती धारा है। समझ में आ रही है चीजें, यानी कि जो जनरेटर से धारा हमें प्राप्त होती है वह एक प्रत्यावर्ती धारा है, एक अल्टरनेटिव करंट है, ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा है। तो चलिए अब हम लोग उसके नीचे फिर से लिखा जाए, लिखेंगे एरो देकर प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो या जनित्र के, प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो या जनित्र के, नीचे एरो देकर लिखेंगे प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो या जनित्र के मुख्य मुख्य चार भाग होते हैं, मुख्य चार भाग होते हैं। पहला क्षेत्र चुंबक, पहला कहां, पहला मुख्य भाग जनरेटर का कौन सा है, जैसे कि हम लोग पढ़े थे ना ट्रांसफार्मर में कि ट्रांसफार्मर में कितने भाग होते हैं, तीन मुख्य भाग होते हैं, पहला परतदार क्रोड, दूसरा प्राथमिक कुंडली और दूसरा द्वितीयक कुंडली,
ऐसे ही आपको याद रखना चाहिए। जनरेटर में मुख्य भाग कितने हैं? चार भाग हैं। पहला में है क्षेत्र चुंबक। क्षेत्र चुंबक का मतलब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना, चुंबक, क्षेत्र चुंबक। दूसरा, दूसरा में लिखा जाए आर्मेचर, आर्मेचर, आर्मेचर सबके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, आर्मेचर। फिर तीसरा सर्पी वलय, और चौथा ब्रूश। ठीक है, तो टोटल मिलाकर जनित्र यानी जनरेटर के कितने भाग हैं? चार भाग। पहला क्षेत्र चुंबक, दूसरा आर्मेचर, तीसरा सर्पी वलय और चौथा ब्रूश। ठीक है, तो टोटल मिलाकर ये चार भाग होते हैं जनित्र में। और सबसे पहला बात कि क्षेत्र चुंबक क्या है, आर्मेचर क्या है, सबके बारे में छोटा छोटा पॉइंट सब लोग लिखेंगे, सबके बारे में जानेंगे। तो सबसे छोटा पॉइंट लिखा जाए क्षेत्र चुंबक के बारे में कि क्षेत्र चुंबक क्या है, ये कैसे जुड़ा हुआ रहता है। यानी कि अभी पढ़े ना हम लोग जनरेटर के चार भाग, क्षेत्र चुंबक, दूसरा का नाम है आर्मेचर, फिर सर्पी वलय, फिर है ब्रूश। तो ये चारों के बारे में हम लोग सीखेंगे कि ये आखिर क्षेत्र चुंबक क्या है, इसका व्यवहार बनावट में कैसे यूज किया जाता है, आर्मेचर किसको कहते हैं, उसका क्या काम है, सर्पी वलय क्या होता है, उसका क्या यूज है उस कुंडली में, उसके बनावट में। तो क्षेत्र चुंबक के एरो देंगे, लिखा जाए क्षेत्र चुंबक में, यह एक शक्तिशाली विद्युत चुंबक होता है, यह एक शक्तिशाली विद्युत चुंबक होता है जो डीसी धारा द्वारा, डीसी, एसी और डीसी पढ़ते थे ना हम लोग, दिष्ट धारा बोलते हैं इसको, जो डीसी धारा द्वारा सक्रिय किया जाता है। सक्रिय किया जाता है तथा इसी क्षेत्र चुंबक के बीच, तथा इसी क्षेत्र चुंबक के बीच कुंडली को ज्यादा तेजी से घुमाया जाता है, ताकि कुंडली को ज्यादा तेजी से घुमाया जाता है ताकि काफी प्रबल विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो, काफी प्रबल विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो। चलिए, तो क्षेत्र चुंबक के बारे में क्या लिखे हम लोग कि किसी भी जनरेटर में क्षेत्र चुंबक लगा हुआ होता है। ये क्या होता है तो आपको पता होना चाहिए, बहुत ही शक्तिशाली वाला विद्युत चुंबक लगा हुआ रहता है, यानी कि हाई पावरफुल वाला चुंबक का व्यवहार किया जाता है और उसके बीच में कुछ खाली स्थान होता है, यानी कि एक ऊपर भी चुंबक, एक नीचे की तरफ भी चुंबक, और बीच में कुछ खाली स्थान, गैप होता है, और उसी गैप में कुंडली को घूमने का स्थान होता है। ठीक है, और वो जो कुंडली है जितना ज्यादा तेजी से घूमेगा उतना ही ज्यादा से ज्यादा हमें विद्युत वाहक बल प्राप्त होगा, यानी कि ज्यादा धारा प्राप्त होगी, ज्यादा वोल्ट हमें प्राप्त होगा। ठीक है, सबसे पहली बात कि जनरेटर के चार भाग, क्षेत्र चुंबक क्या होता है, तो ये बहुत हाई शक्तिशाली, उच्च शक्तिशाली वाला विद्युत चुंबक होता है जिसके बीच में एक कुंडली को ज्यादा तेजी से घुमाने पर हमें हाई पावरफुल का वोल्टेज, हाई धारा प्राप्त होता है। और एक बात लिखे हैं डीसी द्वारा सक्रिय किया जाता है, सक्रिय का मतलब उसको उत्तेजित किया जाता है, उसमें और पावर दिया जाता है, किसके द्वारा, डीसी के द्वारा, और जब पावर दिया जाता है तब हमें एसी प्राप्त होता है। यानी कि कहने का मतलब कि जनरेटर में डीसी का व्यवहार ना मात्र के लिए किया जाता है, सिर्फ सक्रिय करने के लिए, उत्तेजित करने के लिए। ठीक है, तो अब हम लोग उसके आगे हम लोग सीखेंगे, छोटा सा पॉइंट देंगे, दैट इज आर्मेचर। फिर हम लोग इसके बनावट के बारे में सीखेंगे।
तो आर्मेचर के बारे में लिखा जाए, यह एक कुंडली होती है, आर्मेचर में लिखेंगे, यह एक कुंडली होती है जो जो नरम लोहे के बेलनाकार क्रोड पर जो नरम लोहे के बेलनाकार क्रोड पर लपेट कर बनाई जाती है। पूर्ण विराम, इस कुंडली में फेरों की संख्या बहुत अधिक रखी जाती है। इस कुंडली में फेरों की संख्या बहुत अधिक रखी जाती है। ताकि कुंडली को तेजी से घुमाने पर विद्युत वाहक बल का शिखर मान प्राप्त हो। चलिए अब हम लोग सीखे आर्मेचर। तो आर्मेचर क्या होता है भाई, कुंडली को ही हम लोग यहां पे आर्मेचर बोलते हैं। और ध्यान रहे, इस कुंडली में हम लोग सीखे ना, जैसे मान लिया कि याद दिलाते हैं आपको, एक परिनालिका जब बना रहे थे तो बेलनाकार बेलन का एक पाइप का टुकड़ा होता है वहां पे, और अगर हम लोग इसको इसको लपेटते हैं उसके ऊपर, तो हमें जो प्राप्त होता है, देख पा रहे होंगे ये लपेटा हुआ है वायर, तो इसके ऊपर जो वायर लपेटा जाता है वही ना होता है फेरों की संख्या। वैसा ही दोस्तों आर्मेचर का मतलब हुआ कुंडली, जो उस क्षेत्र चुंबक के बीच घूमने का काम करता है, और जब तक घूमेगा नहीं तब तक हम लोगों को करंट प्राप्त नहीं होगा। इसलिए उस क्षेत्र चुंबक में उस आर्मेचर का घूमना जरूरी होता है। और इसके साथ साथ याद रखना चाहिए, आर्मेचर का मतलब हुआ कुंडली, और कुंडली में जितना ज्यादा से ज्यादा फेरों की संख्या होगा उतना ही हमें विद्युत धारा का वैल्यू, या बोल सकते हैं कि विद्युत वाहक बल का वैल्यू ज्यादा प्राप्त होगा। ठीक है, तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि आर्मेचर एक तरह का कुंडली होता है जो उस पर अनेक फेरों की संख्या, तार के फेरों की संख्या लपेटी हुई रहती है। और इसका फायदा हमें यह भी है कि अगर जितना ज्यादा से ज्यादा अगर फेरों की संख्या लपेटा जाए, विद्युत वाहक बल का वैल्यू हमें शिखर प्राप्त होगा। शिखर का मतलब हाई वैल्यूएबल वाला प्राप्त होगा। अब हम लोग तीसरे भाग की तरफ पढ़ते हैं। तीसरा भाग में क्या है, सर्पी वलय। अब ये सर्पी वलय क्या है जरा इसके बारे में देख लेते हैं। लिखा जाए सर्पी वलय में, उसके सामने एरो देंगे, लिखेंगे लिखा जाए आर्मेचर की कुंडली के सिरे अलग अलग वलय से जोड़ दिया जाता है। अलग अलग एक वलय से जोड़ दिया जाता है पूर्ण विराम, सर्पी वलय को स्प्रिंग की सहायता से
स्प्रिंग की सहायता से दो स्प्रिंग की सहायता से कार्बन के दो ब्रूश कार्बन के दो ब्रूश स्पर्श करते रहते हैं स्पर्श करते रहते हैं पूर्ण विराम इन ब्रूशों का संबंध इन ब्रूशों का संबंध दो पेंचों से कर दिया जाता है दो पेंचों से कर दिया जाता है जिनकी सहायता से बाह्य परिपथ में जिनकी सहायता से बाह्य परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा प्राप्त की जाती है। चलिए अब सर्पी वलय का मतलब क्या हुआ तो अब जो ब्रूश लगा हुआ होता है ना तो सर्पी वलय और ब्रूश दोनों में एक ही पॉइंट में हम बता दिए हैं। सर्पी वलय में क्या होता है ना जरा फिगर बनाएंगे तो ही समझ में आएगा। तो चलिए अब हम लोग फिगर बनाते हैं तो फिर चीजें समझ में आएगा। यहां पे देख पा रहे हैं आप दो एकदम हाई वैल्यूएबल वाला एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है यानी कि इसको हम लोग बोल रहे हैं चुंबक। इसको क्या बोल रहे हैं चुंबक बोला जा रहा है। अब इसको चुंबक बोल रहे हैं यहां से थोड़ा सा ये पता चल रहा है कि ये चुंबक है जरा फिगर अच्छा से बनाइएगा ठीक है हाँ ये पता चल रहा है कि ये चुंबक रखा हुआ है और ये चुंबक जो रखा हुआ है हम लोगों का ये साउथ पोल है और ऊपर वाला नॉर्थ पोल है। ऊपर वाला को भी बना देते हैं हम लोग उसी तरीके से तो ऊपर वाला जो बनेगा ऐसे ठीक है ऊपर वाला पार्ट्स को बना रहे हैं ऊपर वाला नॉर्थ पोल है ठीक है आप देख पा रहे होंगे कि दो चुंबक है ये थोड़ा सा ज्यादा बताऊंगा हाँ अब सही है। आप देख पा रहे होंगे दो चुंबक है यहां पे और दोनों चुंबक के बीच एक कुंडली को रखा जाता है एक कुंडली को रखा जाता है उसी को हम लोग आर्मेचर बोल रहे हैं। देखिए ये जो क्षेत्र चुंबक रखा लगा हुआ है ना हम लोग क्या पढ़े कि जनित्र में जनरेटर में चार भाग होते हैं। पहला का नाम है क्या नाम है भाई पहला का क्षेत्र चुंबक और दूसरे का नाम है आर्मेचर जिसको हम लोग कुंडली बोलते हैं और फिर सर्पी वलय होता है और फिर ब्रूश होता है। तो सबके बारे में जरा हम लोग समझेंगे पढ़ेंगे जानेंगे। तो यहां पे देख पा रहा है ये हाई वैल्यूएबल वाला हाई पावरफुल वाला चुंबक है और इसी चुंबक के बीच एक कुंडली को रखा जाता है। देख पा रहे होंगे एक कुंडली है
इसी को आर्मेचर बोल रहे हैं। ये एक कुंडली है, बना लेते हैं फिगर पहले। ठीक है, देख पा रहे होंगे कि ये हम लोगों का कुंडली है, ये दोनों चुंबक है, ये नॉर्थ पोल हो गया और ये साउथ पोल हो गया। अब क्या हो रहा है, ये कुंडली को दो R1 और R2, यही है हम लोगों का सर्पी वलय। सर्पी वलय सबसे पहला तो इसके चार भाग है, पहला चुंबक, और चुंबक लगाने से क्षेत्र चुंबक उसी को बोला जा रहा है। इसके बीच में हाई वैल्यूएबल वाला चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। अब इसके बीच में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने की वजह से उसके बीच में जो कुंडली रखा गया है उसको दो सर्पी वलय से जोड़ दिया जाता है। इट मींस ऐसे, ठीक है, और इसको जोड़ दिया जाता है कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे R1 और R2 क्या हो गया, हम लोगों का सर्पी वलय है, और इस पे एक ब्रूस को जोड़ दिया जाता है। देख पा रहे होंगे ऐसे, ये ब्रूस है B1 और एक ब्रूस है B2, और इसी B1 B2 से दो वायर निकलता है और इसी दोनों वायर से हमें करंट प्राप्त होता है। यानी आप देख पा रहे होंगे इन चीजों को, जरा अच्छे से देखिए तो हम लोगों को पता चलेगा यही हम लोगों का जनित्र है, यही जनरेटर का फिगर होता है। सबसे पहले क्या हुआ, दोनों तरफ चुंबक लगा हुआ होता है, इसके बीच में एक कुंडली है जिसका नाम हम लोग देना चाहते हैं तो ABCD, एक कुंडली है जिसको आर्मेचर भी बोला जाता है, और इसको दो सर्पी वलय से जोड़ दिया जाता है। और ये सर्पी वलय काम क्या करता है, और हम यहां से ये दिखा रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि ये तेजी से घुमाया जा रहा है। इसको जब हम लोग तेजी से घुमाएंगे दोस्तों, तो क्या पक्की बात है ना कि ये हम लोगों का आर्मेचर तेजी से घूमना शुरू होगा। जब ये आर्मेचर अगर तेजी से घूमना शुरू होगा तो डेफिनेटली बात है कि इसमें यानी कि इस कुंडली में प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न होगी, और प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न होगी सो हम बोल सकते हैं कि यहां से एक B1 ब्रूस से पॉजिटिव और B2 से एक निगेटिव। देखिए इसके अंदर अंदर से पार हुआ है, ये वायर जो इसको टच नहीं कर रहा है, यानी कि इसमें ऑटोमेटिक प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न हो जा रही है, जो हम लोग दो ब्रूस का मतलब होता है उसको सिर्फ टच करता है, यानी कि उसको टच करता है उससे करंट लेने का काम करता है। यानी कि B1 और B2 दो ब्रूस जुड़े हुए होते हैं, और इसको पेंच से का मतलब एक कहीं पे उसको कस दिया जाता है, और फिर दो करंट हमें यहां से दो सिचुएशंस प्राप्त होती है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए यही है हम लोगों का जनित्र। तो इस जनित्र को अच्छे से फिगर आप देख लीजिए, अच्छे से बना लीजिए, और ये इम्पोर्टेंट होता है, और इसमें जितने भी भाग होते हैं सबके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो हम लोगों का जो प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर चल रहा था वो आज हम लोगों का एंड हो गया है इस जनित्र वाले टॉपिक से। ठीक है, तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, उसके नीचे आप फिगर बना लीजिएगा, और फिलहाल हम लोग अगले क्लास में एक नए चैप्टर के साथ शुरू होंगे जो अगला चैप्टर होगा जस्टिस के आगे। ठीक है, तो जनित्र वाले में आप चीजों को डेफिनेटली अच्छे से फिगर बनाइए। तो आज के लिए इतना ही, फिर धन्यवाद।